अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वायरस 6.1.2। इसको स्टार्ट करते हैं। वायरस की कितनी किस्में हैं, यानी किस किस तरह से जो अफेक्ट करता है और फिर उसकी कितनी किस्में हैं। पहले हमने कॉजेज़ का पढ़ा, आज हम उसकी टाइप्स को पढ़। इसकी टाइप है ब्रीफ सेक्टर वायरस। जी, ब्रूट सेक्टर वायरस क्या है? वी नो दैट कि दिस जो है इसको हम ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है। हार्ड डिस्क को हम ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करते हैं। और ये डिस्क है और विच द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन लोडेड। इसी हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो लोड की जाती है। हैज अ स्पेशल प्रोग्राम इस फर्स्ट सेक्टर कॉल्ड द बूट सेक्टर। जो जहां से प्रोग्राम लोड होता है उस जगह को बूट सेक्टर कहते हैं। When the computer is turned on, जब कंप्यूटर ऑन होता है, the program in the boot sector is automatically loaded। बूट सेक्टर से प्रोग्राम को लोड कर दिया जाता है, क्योंकि बूट पे हमारा विंडो पड़ी हुई है बूट सेक्टर के अंदर, तो वो चलेगा तो विंडो को लोड करेगा। तो बूट सेक्टर चलता है और विंडो को लोड कर देता है। किसमें? मेमोरी के अंदर। जब इसको चलाओ, अब मेमोरी के अंदर विंडो आ जाती है और विंडो चलना शुरू हो जाती है। दिस प्रोग्राम देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी आफ्टर परफॉर्मिंग द कुछ इनिशियल टास्क के बाद वो मेमोरी में इस प्रोग्राम को लोड कर देता है और वो चलना शुरू हो जाता है। तो बूट सेक्टर वायरस। अब ये जो वायरस है जो बूट सेक्टर में जाता है, ये भी जगह जाके बूट सेक्टर में बना लेता है। ये वहां जाकर मॉडिफाई करता है। इसका काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना, मॉडिफाई करना वायरस का काम। तो ये इसको मॉडिफाई करता है प्रोग्राम को बूट सेक्टर के अंदर और लोडिंग इनटू मेमोरी के अंदर जो चला था उसको डिस्टर्ब कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। व्हेनेवर, अब जब भी आप ऑन करेंगे, जब भी लोड होगा बूट सेक्टर से मेमोरी से बूट सेक्टर में को जो है में विंडो जब लोड की जाएगी, द वायरस अटैच हुआ है तो वो भी साथ चलेगा। वो अपनी फाइल को एक्सी फाइल जब चलेगी .exe फाइल .conf.dll फाइल्स। When the user use the executable files, अब जब जिसने विंडो को चलाना है, जो हमारी exe फाइल है DLL फाइल है, अब जब ये फाइलें चलेगी वायरस चूंकि अटैच हो चुका है इनके साथ, ये बीस फाइल इज ऑल्सो एक्टिवेट, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन अफेक्ट्स द अदर फाइल, और ये दूसरी फाइल्स को अफेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो परफॉर्म डिस्ट्रक्टिव कमांड्स एंड डिस्ट्रॉय द डाटा फाइल्स ऑल्सो। ये आपने अक्सर कॉमन देखा होगा कि जब हम विंडो चलाते हैं विंडो पूरी खुलती नहीं है और DLL का एरर आ जाता है, एक्सी का एरर आ जाता है, DLL एरर, EXE एरर। इन एरर्स के आने पर चलता है कि इसमें वायरस .com एरर, जब ये इन बूट सेक्टर के अंदर वायरस आने से इन फाइल को वो डिस्टर्ब करता है। जिन्होंने प्रोग्राम को चलाना, जो लोड करवाने वाली फाइलें हैं, जो एग्जीक्यूट करवाती हैं एक्जीक्यूटेबल फाइल्स को डिस्टर्ब कर दिया तो मैसेज आ जाता है DLL एरर, कॉम एरर, एक्सी एरर। तो इन फाइलें जो कि बूट सेक्टर की फाइलें हैं, जो कि विंडो को चलाने और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के इस्तेमाल होती हैं, उनकी जो मेन फाइलें हैं वो तीन फाइलें हैं, उनको डिस्टर्ब कर देना, ये बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। और ये एक्सपीरियंस में भी आपने देखा होगा, जिन लोगों की विंडो अगर कभी बूट सेक्टर से ख़राब हो तो उनमें ये मैसेज ज़रूर आता है। आगे हम देखते हैं जी, नंबर वन था बूट सेक्टर एरर और दूसरा है चेर्नोबिल वायरस। चेर्नोबिल वायरस जो है ये भी वायरस की किस्म है, एक टाइप है जी। द फेमस चेर्नोबिल वायरस डिलीट ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या करता है जी? वो तो बूट सेक्टर में अटैक कर रहा था विंडो पे, और ये आपके ऑफिस पे अटैक करता है, ये तमाम ऑफिस को भी उड़ा देता है। चेर्नोबिल वायरस क्या करता है जी? डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल एंड ऑल्सो द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क हैज कॉजिंग मेजर लॉस। अब जो पार्टीशन आपने बनाई हुई थी हार्ड डिस्क की, उसको भी डिलीट कर देता है। दो बड़े काम करता है ये, आपके ऑफिस को डिलीट कर देता है कंप्लीटली, और पार्टीशन इंफॉर्मेशन जो आपकी हार्ड डिस्क की CDEF जो पार्टीशन है उसको भी डिलीट कर देता है, पार्टीशन को खत्म कर देता है। तो चेर्नोबिल वायरस। अब आगे है नंबर थ्री, लॉजिक बॉम्ब। ये सब डिफरेंट टाइप्स आपको बताई जा रही है। लॉजिक बॉम्ब जी, लॉजिक बॉम्ब differ from other viruses, ये थोड़ा हटकर है दूसरे वायरस से, is that they are set to go off at a certain that daytime. ये क्या करता है कि बहुत सारी areas में हमें day time से काम करना होता है, तो ये क्या करता है, they are set to go off at a certain date and time. ये date and time की dates को change कर देता है. It turns to jammer for a defense contractor create a bomb in a program that was supposed to go off 2 months after he left. Designed to erase in inventory tracking system, the bomb was discovered only by chance. ये क्या किया गया, जैसा कि थोड़ा सा कुछ समझ आ गया. It is content programmer था, उसने क्या किया, for a defense contractor के लिए उसने एक क्रिएटिव बॉम्ब की बनाया प्रोग्राम के अंदर, that was disposed to go off 2 months after he left. जो उसके जाने के 2 महीने के बाद जो है उसने काम करना शुरू किया. और डिजाइन किया गया था कि इन्वेंटरी ट्रैकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, और जो बाय चांस को पकड़ लिया गया. इधर जी लॉजिक बॉम्ब. और आगे है नंबर 4, ट्रोजन हॉर्स. ये काफ़ी कॉमन वायरस है ट्रोजन हॉर्स, आप लोग इसको सुन चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इसको आपने. ये काफ़ी कॉमन वायरस है ट्रोजन हॉर्स. द ट्रोजन हॉर्स वायरस कन्वर्टली प्लेसेस इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन इन द मिडल. ये एक मैसेज आता है आपको, आप काम कर रहे हैं, एक मैसेज आ गया, तो मैसेज इलीगल सा है, डिस्ट्रक्टिव सा मैसेज होता है. इन द मिडल ऑफ द लेजिटिमेट प्रोग्राम, कोई आप बहुत काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एकदम मैसेज जनरेट हो जाएगा. Such a computer game, once you run the program, the Trojan horse goes to work. आप काम कर रहे थे, इसने अपना काम शुरू कर दिया. Does damage while you are blissfully unaware, आपको पता ही नहीं कि अंदर इसने सारा प्रोग्राम खराब कर दिया. An example of a Trojan horse is a Format-C. ये Format-C का मैसेज आएगा जी, आपकी विंडो फॉर्मेट हो गई. इसमें एक डिफरेंट मैसेज जनरेट करता है, गेम के दौरान, विंडो के दौरान, काम के दौरान एक मैसेज जनरेट करेगा, जिससे आप एकदम से आ जाएगा और आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देगा. और फिर मैसेज जाता भी नहीं है, उसको आप डिलीट ओके ओके करते रहते हैं, फिर भी नहीं जाता. ये है ट्रोजन हॉर्स. आगे है रेड लॉफ जी, अगला है रेड लॉफ. रेड लोफ क्या है, ये भी टाइप ऑफ वायरस है. रेड लोफ वायरस इज ए पॉलीमॉर्फिक वायरस. जो पॉलीमॉर्फिक है, चेन पे चेन बनी जा रहा है, काम हो ही जा रहा, हो ही जा रहा है, जो कि विजुअल बेसिक पे लिखा गया है. द वायरस रिलाइज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स के ऊपर ये काम करता है, कंपोनेंट के ऊपर. वल्नरेबिलिटी टू ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट इटसेल्फ, जो अपने आप को ऑटोमेटिकली चलाता रहता है, लूप सा चल जाता है, एक काम एक डिस्ट्रक्टिव काम हो ही जा रहा, परेशान है कि इसको कैसे खत्म किया. When executed, the virus locates folders .htt, आपको बताएगा यहाँ वायरस की लोकेशन मिलेगी आपको उसकी. And infects that file, इसको खास तौर पे इस फाइल को डिस्टर्ब करता है .htt को. फोल्डर .htt is a part of a Microsoft Windows का, चूंकि आपको तो फोल्डर जो है वो विंडो का हिस्सा है. एक्टिव डेस्कटॉप फीचर के अंदर It searches the user hard drive and locate infectable files and appends itself to them. ये उस फाइल में चला जाता है जो आमतौर पर हमारी फोल्डर की फाइल्स है, और उसके अंदर इफेक्ट करता जाकर और अपनी जगह बना लेता है. यह है रेड लॉफ, ये फोल्डर के अंदर जाकर अपनी जगह बनाता है जी. आगरा है, कुछ और भी वायरस है इसके अलावा, लेकिन कॉमन हमने ये नाम कुछ हमारे सामने थे. इसमें बूट सेक्टर वायरस है, चेर्नोबिल वायरस है, लॉजिक बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स है, रेड लॉफ है. सब वायरस में मेक अननोटिसेबल चेंजेस, बहुत से तब्दीली करते लेकिन पता नहीं चलता आपको. हेल्प स्क्रप्टिंग द डाटा बीइंग यूज्ड एंड सम वायरस में इवन मेक डाटा अनयूजेबल. अगर बाद में डाटा को ऐसा भी हो जाता है कि इतना ख़राब कर देते हैं कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी वायरस की किस्म है. वायरस में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन, वो आपकी अंदर से कोई प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, लाइक पासवर्ड वगैरह हो गया, या एनी सेंसिटिव डाटा जो आपके कंप्यूटर में है उसको देख लेना एंड सेंड कर देना, दूसरे यूज़र को नेटवर्क के ऊपर भेज देना. ऐसे भी वायरस बने हुए हैं. क्योंकि डाटा को देख के डाटा को आपको बाकायदा उसको मैसेज कर देते हैं दूसरे पर्सन को, दूसरे नेटवर्क के ऊपर, दूसरे यूज़र को। उसकी मिसाल है ए वायरस प्रोग्राम में रीड द पिन कोड, वायरस जो है वो पिन कोड पढ़ सकता है और क्रेडिट कार्ड का नंबर रीड कर लेते हैं एंटर बाय यूज़र एंड देन सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द। तो अक्सर आप लोगों को आजकल कॉल आती है, कॉल के दौरान आप उससे लंबी बात करते रहते हैं, जब तक आपसे अटैच रहता है वो वायरस आपके सिस्टम में आता है और आपके अगर वायरस पासवर्ड उसको मिलता है वो उस यूज़र जिससे वो आपकी बात चल रही थी उसको भेज देता है। इससे बोगस कॉल कोई आपको आए जिसके अंदर कोई अननोन नंबर हो और वो आपसे बिला वजह बात लंबी कर रहा हो, बाहर के मुल्क की कॉल हो, तो उसके अंदर ये चांस होते हैं कि आपके अगर आपके सिस्टम के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपके मोबाइल के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट की डिटेल है तो वो उसको फ़ौरन शट डाउन कर दिया जाए उस कॉल को। विद इन लिमिट स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम उसके अंदर उसने कॉपी करना होता है, वो डेटा सारा कॉपी कर रहा होता है, तो उससे पहले पहले इसको शेड्यूल होता है कॉल। Another interesting thing a virus can do is that it may take resources unavailable to the users. For example, a virus after copying itself, जब वो copy करता है अपने आप को, on all computers on a network will start sending data on the network so that other users cannot use it. अब यानी उसने अपना डाटा को भेजना शुरू कर दिया और सारी जगह उसने घेर ली, अब दूसरा यूजर काम ही नहीं कर सकता, नेटवर्क स्लो हो गया। अब ये फाइलें भेजी जा रहा है, कॉपी करी जा रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सिस्टम स्लो हो गया, नेटवर्क स्लो हो गया। ये भी इसका किस्म है वायरस की, ये नेटवर्क में वायरस आ जाता है, वो अपना काम कर रहा होता है तो दूसरी फाइलें शेयर नहीं हो रही होती तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये भी सारी किस्में भी वायरस की टाइप्स थी जो आज हमने पढ़ी, उम्मीद आपको समझ आया होगा। और इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक और आसान भी है, इसको लर्न कीजिए, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आपको दे सकता है वो, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बूट सेक्टर वायरस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको चेरनोबिल वायरस दे सकता है, आपको लॉजिक बॉम्ब दे सकता है, ये नाम ये से डिफरेंट से हैं कि वो उसको एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उसको डाला जा सकता है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। आप सबको बहुत शुक्रिया हमारे से रहने का। अस्सलाम वालेकुम।